नमस्कार साथियों, ई ग्रास पोर्टल के ऊपर जो पुरानी चालान प्रक्रिया थी उसमें कुछ बदलाव हो गए हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो एक आदेश है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हालांकि 2019 का आदेश है लेकिन ई ग्रास पोर्टल के ऊपर अभी इसे अपडेट कर दिया गया है। अब जो भी विद्यालय शिक्षा में अधिक भुगतान की वसूली, टीसी या नव प्रवेश या फिर सामूहिक दुर्घटना बीमा के जो भी चालान बनेंगे अब इस नई प्रक्रिया के तहत ही बनेंगे। तो चलिए नई प्रक्रिया के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा का चालान जनरेट करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले अपन गूगल पर चलते हैं और वहाँ पर igrash.raj टाइप करते हैं। उसके बाद में अपन जो ऊपर igrash दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो igrash का जो मेन पोर्टल है, मेन साइट है, वह इस प्रकार आएगा। जो पुरानी प्रक्रिया थी जिसमें अपन यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी लगाते थे अब वह नहीं लगाना है। अब यूजर नेम के अंदर अपना जो IFSC कोड है अर्थात DDO कोड है वह लगाना है और पासवर्ड में S कैपिटल है, SUN स्मॉल है, SUN@123 यह पासवर्ड लगाना है। ध्यान रहे पासवर्ड है सन, SUN S कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, @123 यह पासवर्ड रहेगा। कैप्चा एंटर कर दें आप। यूज़र आईडी IFMS पर जो कोड है विद्यालय का अर्थात जो DDO कोड होता है वह आप टाइप करेंगे और कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही अपन लॉगिन करेंगे अपने सामने एक न्यू पॉपअप खुल जाएगा जिसमें पासवर्ड रीसेट करना है। ओल्ड पासवर्ड में वही sun@123 लगाना है और न्यू पासवर्ड में आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में कंफर्मेशन न्यू पासवर्ड है, जो आपने न्यू पासवर्ड में पासवर्ड डाला है वही कंफर्मेशन में भी वही पासवर्ड डालना है और न्यू पासवर्ड और कंफर्मेशन न्यू पासवर्ड सेम होना चाहिए। उसके बाद में सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में एक नया पॉपअप आएगा जिसमें सक्सेसफुली दिखाया जाएगा। अब आप जो नया पासवर्ड जनरेट किया है वह नया पासवर्ड लगाकर, यूजर आईडी में वही IFMS कोड ही होगा, वो नया पासवर्ड लगाकर कैप्चा एंटर करके अपन लॉगिन करेंगे। जैसे ही इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे आपके सामने फिर एक नया पॉपअप खुलेगा अर्थात एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपकी न्यू लॉगिन आईडी जनरेट होकर आपके सामने दिखाई देगी। ध्यान रहे यह न्यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड बिल्कुल आप सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में igrash पोर्टल के ऊपर इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से ही सब प्रकार के चालान, चाहे वह अधिक भुगतान की वसूली हो, चाहे वह TC या नवप्रवेश का हो, चाहे वह सामूहिक दुर्घटना बीमा का हो, कोई भी चालान अब इस प्रक्रिया के तहत ही जनरेट होंगे। यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। इसको, इस न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड को सेव कर लें, आप कहीं लिख लें। अब अपने को इस नई प्रक्रिया के तहत यूजर आईडी और जो पासवर्ड जो नए जनरेट किए हैं वो लगा करके इस पोर्टल के ऊपर अपने को लॉगिन होना है। जैसे ही अपन लॉगिन होंगे अपने सामने igrash पोर्टल का जो विंडो है वह ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि जो माइनस एक्सपेंडिचर है वहाँ से अपने को रेगुलर के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि सामूहिक दुर्घटना बीमा का चालान है वो माइनस एक्सपेंडिचर से नहीं होगा, रेगुलर से होगा। रेगुलर में अपने को हेड चेंज करना है, सॉरी डिपार्टमेंट चेंज करना है। डिपार्टमेंट सेकेंडरी शिक्षा का 70 है, 70 आप टाइप करेंगे आ जाएगा। मेजर जो हेड है वह शिक्षा खेल कूद कला एम्शंस करती है आ जाएगा।
प्रोफाइल नेम अपने को लिख लेना है अपनी सुविधा अनुसार। जैसे अधिक भुगतान की वसूली का हमने प्रोफाइल नेम अलग दिया था, और जो सामूहिक दुर्घटना बीमा है उसका जो प्रोफाइल नेम है वह अलग दे रहे हैं, क्योंकि अपने को जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ही चालान जनरेट होगा। प्रोफाइल नेम देने के बाद में अपने को जो बजट हेड है वह चूज करना है, और सामूहिक दुर्घटना बीमा का जो बजट हेड होता है वह 22202 यानी 2202 तो है ही, उसके बाद में 01 और 102 0301 जो विविध वाला है वह क्लिक करके इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा हेड। सामने आने के बाद में अपने को सबमिट करना है, और जैसे ही सबमिट करेंगे अपने सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, अर्थात अपनी जो प्रोफाइल है वह क्रिएट हो गई है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है, अब अपने को चालान जनरेट करना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करते हैं तो अपने सामने ये आ जाती है स्थितियाँ। अब अपने को है इनकी जो पूर्तियाँ हैं वह पूरी करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी ये चीज़ें अपने को चुनवाई जा रही हैं वह चुन लें। कुछ चीज़ें होती हैं वह ऑटो सेलेक्ट होती हैं, अर्थात पहले से ही आती हैं। यहाँ एनुअल चुने आप, और यहाँ सेशन चुने, जिस सेशन का आप चालान जनरेट कर रहे हैं सामूहिक दुर्घटना बीमा का वह सेशन चूज करें, और कितनी राशि का आप चालान जनरेट कर रहे हैं वह राशि यहाँ इस कॉलम में आपको इंद्राज करनी है। इस कॉलम में लिखने के बाद में जो नीचे है वह ऑटोमेटिक हो जाएगी सिलेक्ट, वर्ड्स में भी आ जाएगी, शब्दों में भी आ जाएगी। उसके बाद में अपने को ये जो पीडी अकाउंट है इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ मैनुअल करना है, जो भी है पेमेंट डिटेल है मैनुअल करनी है। मैनुअल करने के बाद में बैंक, जो भी आप जिस बैंक में चालान जमा करवाना चाहते हैं वह आप चूज कर सकते हैं, जैसे SBI एनीवेयर है, अर्थात SBI की किसी भी शाखा में चालान जमा करवाया जा सकता है। तो हमारे केस में हमने SBI एनीवेयर चूज किया है। यहाँ आप कैश में करेंगे, चेक में नहीं करेंगे। उसके बाद में जो भी खाना पूर्ति है, अर्थात जो भी कॉलम की पूर्ति करनी है वह करनी है, या रेमिट्री नेम में हमेशा प्रिंसिपल आएगा। और उसके बाद में जो पिन कोड है आपके विद्यालय का, जो पिन कोड क्या है वह यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर है आपके DDO के, जो भी मोबाइल नंबर हैं वह मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे अपन। उसके बाद में आपका विद्यालय कौन से शहर में है उस शहर का नाम आ जाएगा, और उसके बाद में जो एड्रेस वाला जो बिंदु है आपका विद्यालय कहाँ पर है, आपके विद्यालय का जो एड्रेस है वह क्या है वह लिख देंगे। और रिमार्क में जो भी अपन सामूहिक दुर्घटना बीमा का अगर बना रहे हैं तो यहाँ सामूहिक दुर्घटना बीमा से संबंधित बात और उसकी जो राशि है वह रिमार्क में लिख देनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमारे केस में हमने लिख दिया है स्टूडेंट एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होता है उसके बारे में अपन ने रिमार्क में डाल दिया है। साथ ही वर्ष डाल दें कि कौन से वर्ष की ये सामूहिक दुर्घटना बीमा की राशि है और टोटल राशि कितनी है। उसके बाद में अपने को सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे अपने सामने चालान जनरेट होकर आ जाएगा, और यहाँ डाउनलोड करके चालान को अपने को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में चालान को, जो ये जो चालान है ये 3 प्रतियों में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड चालान का प्रिंट लेकर अपन अपनी सुविधा के अनुसार बैंक में जमा करा देंगे। जिस भी बैंक को अपन ने चुना है चालान जमा करवाने के लिए वह बैंक, उस बैंक में चालान जमा होगा। धन्यवाद।